दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में ठीक इस जगह पर जहां मीलों दूर तक ना कोई शहर आबाद है, ना कोई बस्ती और हत्ता के कोई झोपड़ पट्टी तक मौजूद नहीं है, यहां सैटेलाइट इमेज से एक अजीब पैटर्न बना देखा गया। एग्जैक्टली 45 मीटर्स का डायामीटर, बाहर की साइड पे 12 डॉट्स और ठीक सेंटर में एक डॉट देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि डेजर्ट के बीचों बीच इतनी एक्यूरेसी से बना ये पैटर्न कोई अकेला नहीं है, बल्कि थोड़ा जूम आउट करने पर मालूम पड़ा कि सेम एक जैसे 8 पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं। इन तमाम पैटर्न्स की शेप, इनका साइज और इनका डायामीटर एक जितना ही है, और सबसे बढ़कर ये कि इन सारे पैटर्न्स के दरमियान ठीक 420 मीटर्स का फासला है। ऐसा नहीं कि कहीं 440 मीटर तो कहीं 400 मीटर, सबके दरमियान एग्जैक्टली 420 मीटर का ही फासला है। थोड़ा और जूम आउट करके देखा जाए तो मीलों दूर तक यहाँ रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस वीराने में इतनी एक्यूरेसी से बने इन पैटर्न्स के पीछे आखिर राज क्या है? क्या ये एंशियंट वर्ल्ड का कोई कारनामा है या फिर एलियंस की तरफ से छोड़ा जाने वाला कोई मैसेज? जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अफ्रीकन सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, इतना बड़ा कि इसके अंदर इंडिया जैसे 3 मुल्क और पाकिस्तान जैसे 11 मुल्क फिट आ सकते हैं। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ सहारा इतना बड़ा है कि इसकी एक साइड रेड सी को, दूसरी मेडिटेरेनियन सी और तीसरी साइड एटलांटिक ओशन पे लगती है। बड़ा होने के साथ साथ अफ्रीकन सहारा बहुत सख्त हालात से दोचार भी रहता है। दिन के वक्त 50 डिग्री सेल्सियस जितनी आग बरसाने वाली गर्मी, तो रात को टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। इन हालात को अगर बर्दाश्त कर भी लिया जाए तो पानी की शॉर्टेज और खुश्क हवा यहाँ इंसान को जीने नहीं देती। यही वजह है कि सहारा में जो भी शहर आबाद हैं वो पानी के करीब करीब हैं, और बाकी सारा का सारा एरिया बिल्कुल वीरान रहता है। ये गोल पैटर्न्स भी सहारा के ऐसे ही एक वीरान एरिया में देखे गए थे। सहारा का ये हिस्सा अल्जीरिया में आता है, जहां इन सलाह नाम की एक छोटी सी बस्ती से भी 160 किलोमीटर डीप में जाकर ये पैटर्न्स मौजूद हैं। क्रिस्टोफ हॉबर्सन नामी एक प्रोड्यूसर ने पहली बार 2021 में गूगल अर्थ पर जब इन सर्कल्स को देखा तो उसने इनकी गहराई में जाने का फैसला किया। सबसे पहले तो ये जानना था कि आया ये असल में ग्राउंड पर मौजूद हैं या ये कोई सैटेलाइट की खराबी की वजह से इतने एक्यूरेट पैटर्न्स शो हो रहे हैं। लिहाजा इस मसले को सुलझाने के लिए क्रिस्टोफ ने उस कंपनी से रब्ता किया जो गूगल के लिए सैटेलाइट से फोटोज खींचती है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज के सीनियर डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि ये सैटेलाइट का कोई ग्लिच नहीं, बल्कि ये सर्कल्स असल में ग्राउंड पर मौजूद हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पहला शक तो दूर हो गया। अब इन पैटर्न्स की असल हकीकत मालूम करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, अल्जीरियन एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स और कई टूर ऑपरेटर्स से रब्ता किया गया, लेकिन किसी को भी इन सर्कल्स का आइडिया तक नहीं था। ये अजीब दिखने वाले एक ही लाइन में इतनी सफाई से बने पैटर्न्स हर कोई पहली बार देख रहा था। कई महीने की रिसर्च करने के बाद क्रिस्टोफ हॉबर्सन को शक हुआ कि कहीं ये साइज़मिक सर्वे के निशानात तो नहीं है। साइज़मिक सर्वे जमीन में ऑयल ढूंढने के लिए परफॉर्म की जाने वाली टेक्निक को कहते हैं, जिसमें एक मशीन पर लगे हैमर की मदद से जमीन में वाइब्रेशन पैदा की जाती है। इन वाइब्रेशंस को साइज़मिक वेव्स कहा जाता है, जो जमीन के अंदर मौजूद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से टकरा कर वापस ऊपर की तरफ जाती है, जहां रिसीवर्स इन वेव्स को रीड करते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ये पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर ऑयल है कि नहीं। सहारा में बने ये अजीब पैटर्न्स क्या साइज़मिक सर्वे का सबूत हैं? ये जानने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दुनिया के सबसे बड़े साइज़मिक सर्वे एक्सपर्ट से राब्ता किया गया। बॉब हार्डेज ने जब इन पैटर्न्स की पिक्चर को देखा तो उनका कहना था कि ये पैटर्न्स किसी सूरत भी साइज़मिक सर्वे के नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात, सर्वे में मशीन ऐसे पैटर्न ही नहीं बनाती, और दूसरा ये कि जो भी कंपनी हजारों लाखों डॉलर खर्च करके किसी साइट पर सर्वे करती है और वहां ऑयल नहीं मिल पाता तो वो अपने निशानात मिटा देती है, ताकि उनकी की गई मेहनत का कोई दूसरी ऑयल कंपनी फायदा ना उठाए। यानी बॉब के मुताबिक ये पैटर्न्स साइज़मिक सर्वे के नहीं हैं।
तो आखिर फिर ये किसने और क्यों बनाए थे? इंटरनेट पर ही रिसर्च करने के दौरान 1885 के एक डॉक्यूमेंट में कुछ मजीद इशारे मिले। इस डॉक्यूमेंट में एक कुएं का जिक्र किया गया है और साथ ही दो टूम्स का जिक्र भी किया गया है जो सर्कुलर शेप की हैं और इन पैटर्न्स की तरह बहुत रेगुलर शेप की बनी हुई हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इन टूम्स की लोकेशन भी पैटर्न से सिर्फ 10 किलोमीटर ही दूर है। अफ्रीकन सहारा में इन टूम्स को ट्यूमुलस कहा जाता है, जहां हजारों साल पहले रॉयल किंग्स को दफनाया जाता था। 10,000 साल पहले बनाए जाने वाले इन टूम्स को अगर इन पैटर्न से कंपेयर किया जाए तो इनकी शेप और डिज़ाइन में काफ़ी वाजे फ़र्क देखा जा सकता है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए एक टूनिशियन आर्कियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया गया जिसने अल्जीरिया के इस हिस्से में काफ़ी रिसर्च की है। उनका कहना था कि इन पैटर्न्स का टूम्ब से तो कोई ताल्लुक नहीं है, पर ऐसा मालूम होता है कि ये जो कुछ भी है इसका ताल्लुक पानी से है। 2,500 साल पहले रेगिस्तान में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी जिसको फुगारा या फिर कनात कहा जाता है। इस टेक्निक में जमीन के अंदर पहले एक कुआं खोदा जाता था और फिर स्लोप पर कई शाफ्ट्स हवा गुजरने के लिए खोदी जाती थी। फिर स्लोप के बॉटम से कुएं तक एक और शाफ्ट खोदी जाती थी जिसमें से पानी होता हुआ ठीक यहाँ से आकर निकलता था। इस टेक्निक की मदद से बिना किसी मेहनत के खुद ब खुद पानी जमीन से निकाला जाता था जो रेगिस्तान में खेती बाड़ी करने और जानवरों के लिए बहुत काम आता था। पहले तो ये समझा गया कि ये पैटर्न्स भी शायद कनात या फिर फुगारा हैं, लेकिन थोड़ी रिसर्च के बाद ही मालूम पड़ा कि रेगिस्तान में जहाँ कनातें पहले से मौजूद हैं उनके आखिर में कोई ना कोई आबादी होती है, आबादी नहीं तो हरियाली ज़रूर होती है। लेकिन इन पैटर्न्स के आखिर में क्या इनसे 160 किलोमीटर दूर तक ना कोई आबादी है और ना ही कोई हरियाली? कई महीनों की रिसर्च के बाद अभी तक इन पैटर्न्स का कोई ठोस सुराग ना मिल सका था। इतने में सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने इन सर्कल्स की क्लियर और फ्रेश पिक्चर लेकर भेजी और इस नई पिक्चर में आखिरकार एक इशारा मिल ही गया। पैटर्न्स के आसपास गाड़ियों के टायर मार्क्स वाजे तौर पे नजर आ रहे थे, यानी इसका मतलब ये था कि ये काम जिसने भी किया है वो यहाँ गाड़ियों में आया करते थे, और गाड़ियों का मतलब है कि ये चीज ज्यादा पुरानी भी नहीं है। खैर, अब इन पैटर्न्स की असल हकीकत जानने के लिए वो स्टेप उठाने का फैसला किया गया जिसको शुरुआत से ही अवॉइड किया जा रहा था। जी हाँ, सहारा की कड़कती गर्मी में इन पैटर्न्स के पास किसी को खुद जाना पड़ेगा। अल्जीरिया से ताल्लुक रखने वाले एक वीडियो जर्नलिस्ट ने ये काम अपने सर ले लिया, और क्योंकि ये एक इंतहाई मुश्किल एडवेंचर था इसीलिए कई महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। यहाँ तक सिर्फ पहुँचना ही कम अज कम 3 दिन का लगातार सफर है। कैमरा, कैंपिंग, कुकिंग और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ पानी के कैंस और एक्स्ट्रा फ्यूल अरेंज करके सफर का आगाज किया गया। 2 दिन के लगातार सफर करने के बाद टीम अब इन सलाह तक पहुंच चुकी थी, और यहां से आगे ना कोई रोड था और ना कोई रास्ता। जीपीएस की मदद से टीम ने इन पैटर्न्स का रुख करके रेगिस्तान में कदम रख दिया। कई घंटों के मुसलसल सफर के बाद रुकते और फंसते हुए वो अब आखिरकार अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके थे। वो टायर मार्क्स जिनको सैटेलाइट से देखा गया था वो भी जाहिर होना शुरू हो गए थे। जब टीम पहले पैटर्न पे पहुंची तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। जो सैटेलाइट से सिर्फ डॉट्स दिख रहे थे वो करीब 4 से 5 मीटर बड़े खड्डे थे जिनको शायद रेत डालकर बंद किया गया था। उन्होंने 8 के 8 पैटर्न्स को विजिट कर लिया। सब में 13 खड्डे एक ही डिजाइन में मौजूद थे, लेकिन इन पैटर्न्स में एक चीज ऐसी थी जो सैटेलाइट से नजर नहीं आ सकती थी, और वो थी मेटल की ये तारें। कुछ मेटल वायर्स को जमीन के अंदर से निकलते देखा जा सकता था, जिनमें से कुछ तो ऐसी थी जिनमें रबड़ स्लीव अभी तक चढ़ी हुई थी। अभी इन वायर्स का मामला किसी के समझ में आता कि वहां से एक अटैचमेंट स्ट्रिप मिली। ये स्ट्रिप आम तौर पे सामान को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है, और उस स्ट्रिप पे एक स्टैम्प लगी थी जिसपे कुछ लिखा हुआ था। जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो मालूम पड़ा कि ये स्टैम्प एक्सप्लोसिव और एम्यूनेशन बनाने वाली कंपनी की थी। जी हाँ, इन खड्डों में डायनामाइट था।
ये डायनामाइट कब, क्यों और किसने डाला था ये जानना बहुत जरूरी था। शूटिंग टीम को यहाँ से कैंड फूड के कुछ खाली कैन भी मिले जिनकी बैक साइड पे सोपी के कंपनी का लोगो अभी तक मौजूद था। ये कैंड फूड की कंपनी आज भी मौजूद है। जब कंपनी से कांटेक्ट करके उनको खाली कैन की फोटो भेजी गई तो उन्होंने बताया कि ये पैकिंग 1958 की है, यानी आज से करीब 65 साल पुरानी। दो चीजें अब कंफर्म हो चुकी थी कि इन पैटर्न्स के अंदर एक्सप्लोसिव था और ये काम 1958 में किया गया था। लेकिन ऐसा करने की असल वजह क्या थी ये जानने के लिए लोकल डेजर्ट गाइड से रब्ता किया गया, जिन्होंने शायद कभी यहाँ तक पहुँचने में किसी की मदद की हो। एक डेजर्ट गाइड ने बताया कि उसके वालिद भी एक डेजर्ट गाइड हुआ करते थे। जब उसके वालिद से इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि 1958 के आसपास जब वो जवान हुआ करते थे तब एक कंपनी के कुछ लोगों ने यहाँ खुदाई का काम किया था। वो अपनी गाड़ियों में आए थे और कई महीने यहाँ रहने के बाद वापस चले गए। इस गाइड को उस कंपनी का नाम सही से याद नहीं था, पर जहन पर जोर डालने के बाद उनको आखिरकार याद आ ही गया। क्रेप्स, ये एक फ्रेंच कंपनी थी जिसको 1950 से लेकर 1960 तक सहारा के इस हिस्से में ऑयल ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस आखिरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये एक तरह का साइज्मिक सर्वे ही था, लेकिन उस दौर में मशीनरी तो हुआ नहीं करती थी, इसी वजह से साइज्मिक सर्वे के लिए डायनामाइट्स लगाए जाते थे। ये खड्डे डायनामाइट फटने की वजह से ही बने थे, जिनको हवाओं और तूफान से उड़ने वाली रेत ने कवर कर दिया है और वो अब इस तरह दिखते हैं। मेटल वायर्स को डेटोनेटर के साथ कनेक्ट करके जमीन के नीचे एक्सप्लोसिव को फाड़ा जाता था, जिससे साइज्मिक वेव्स पैदा होती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज की मॉडर्न मशीनरी वाइब्रेशन करके वेव्स पैदा करती है। उम्मीद है ZEM TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।